तो आइए दोस्तों हम जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कोर प्रोविज़न समझ लेते हैं। सपोज़ अगर आप सितंबर 21 का फॉर्म 3 भी फाइल कर रहे हैं तो कितना इनपुट क्रेडिट मिलेगा, किस सिचुएशन में मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो बेटर है हम 3 भी 13 अक्टूबर के बाद फाइल करें सितंबर की, क्योंकि सारा टैक्स क्रेडिट जो 11 सितंबर तक की इनवाइसेस सप्लायर्स ने अपलोड करी हैं वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। तो इस वाले केस में हम ये देखते हैं, सितंबर में कोई भी जो इनवाइसेस होती हैं, सितंबर का जो अगस्त का 3 GSTR बन गया था सप्लायर का, वो 11 सितंबर तक गया था। तो 12 सितंबर मिडनाइट से 11 अक्टूबर मिडनाइट तक जो भी सप्लायर अपनी इनवाइसेस अपलोड करेगा वो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट करेगी अकाउंटली, और 2B में हमारा ITC एलिजिबल होगा। अब इस ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि मान लो कोई सप्लायर अपना इनवाइसेस अपलोड नहीं करता तब क्या है, तो उसके लिए 5% का थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो पहले 20% था 31 दिसंबर 19 में, और फाइनल कैलेंडर ईयर 2020 में 10% था, करंट कैलेंडर ईयर में ये 25% है। तो सपोज 1 लाख रुपए की किसी सप्लायर जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में आ रहा है और 6,000 का एक पर्टिकुलर सप्लायर की इनवाइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा, तो इस वाले केस में 1 लाख का 105% तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इस वाले सप्लायर का हमारे को वर्चुअली 1,000 का क्रेडिट नहीं मिला, वो तब मिलेगा जब वो अपनी इनवाइसेस फ्लैग कर देगा। तो ये तरीके से मैकेनिज्म वर्क कर रहा है कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो होता है और कैसे मिलता है। तो सेक्शन 16 में क्या क्या बेसिकली कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उसकी टैक्स इनवाइस होनी चाहिए, उस सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में टैक्स इनवाइस अपलोड कर दी हो। अगर उसकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है तो अभी वो मंथली अपलोड कर सकता है, ये ऑप्शनल है IFF स्कीम में। और थर्ड, उसका गुड्स हमारे पोजीशन में हो, ये भी हो सकता है कि उसने इनवाइस अपलोड कर दी है बट गुड्स आया नहीं, चलेगा। थर्ड, उसने उसका टैक्स पे कर दिया हो, अगर सप्लाई ने टैक्स पे नहीं करा तो यहाँ पर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स पे करे, अदरवाइज हमारा क्रेडिट 16 में डिसला हो सकता है और हमने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। तो ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो सेक्शन 16(2)(AA) है और रूल 36(4) में 5% की रेस्ट्रिक्शन डाली गई है। तो 16(2)(A) यहाँ पर इस वजह से इंसर्ट किया गया था कि अगर सप्लायर अपनी इनवॉइस GSTR 1 में अपलोड नहीं करता तो हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने 5% तक की करेंटली रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, रिलैक्स कर रखा है कि अगर कुछ सप्लायर की इनवाइस नहीं हो सकती, नहीं अपलोड हुई है, तो हम 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट तक और ले सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो द सिस्टम प्रेजेंटली वर्क। एक इम्पॉर्टेंट न्यू सेक्शन 43(a) अमेंड किया गया है जो स्टार्ट होता है विद द वर्ड नॉट विद द स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पर्टिकुलर सब सेक्शन 1637। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि अगर सप्लायर कुछ ऐसे हैं, बेसिकली फेक इनवाइस को यहाँ कैप्चर करने के लिए कहा गया है कि फेक इनवाइस में क्या है, वो लोग अपने GSTR 1 फाइल करते रहते हैं और 3 भी फाइल नहीं करते, अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर को दे रहे हैं वो इंश्योर करे कि सप्लायर ने उसका टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, अगर नहीं किया तो दे आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट लिटिगेशन केसेस क्या क्या चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी 6 अप्रैल 2021 की, राधा कृष्ण इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें ये था कि उसका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया गया था रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ फेक इनवाइसेस दैट द पर्पस ऑफ
जीएसटी एक्ट इज लॉस्ट बाय द मैनर इन विच द लॉ इज एनफोर्स इन अवर कंट्री। तो बेसिकली जीएसटी एक्ट लाने का पर्पज़ ये था कि ये बिजनेस मैन फ्रेंडली टैक्स होगा, इसमें कुछ इस तरीके से प्रोविज़न नहीं करेंगे, कोई इंस्पेक्टर राज और अटैचमेंट जैसे प्रोविज़न नहीं होंगे। बट इसको लोगों ने गलत तरीके से यूज़ किया, फेक इनवाइसेस और ये सब आए, तो गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, द टैक्स मैन कैन नॉट सी ऑल बिजनेसेस बी बीइंग फ्रॉडलेंट। तो हाउ टू फेस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से रिलेटेड जीएसटी एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो डिपार्टमेंट समय समय पर नोटिसेस भेजता है, शो कॉज नोटिस भेजता है, और उनका ये एक तरीके से मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है कि किस तरीके से हम टैक्स इवेजन को कैप्चर करें। तो लेटर कम्युनिकेशन यूज़ होती हैं, तो उन लेटर पे डिन नंबर नहीं होता है, तो ये भी हमें देखना है कि वो प्रॉपर ऑफिसर ने इशू किया है, उसकी ज्यूरिडिक्शन बनती है। ऐसा तो नहीं है एक ही सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंट ऑफिसर नोटिसेस भेज रहे हैं, और उसमें प्रॉपर प्रोविज़न मेंशन होना चाहिए कि भाई नोटिस किस सेक्शन में है। ठीक है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कुछ ऐसा तो नहीं है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, उसकी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनती तो हमारे को नोटिस क्यों दे दिया भाई। समन आर बीइंग इशूड रिपीटली, तो ये भी देखना है कि समन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एसएससी की फिजिकल अपेरेंस बनती है, तो वो बहुत रेयरली रिक्वायर्ड सिचुएशन में ही इशू किया जाना चाहिए। समन आर इशूड बाई डिफरेंट ऑफिसर ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर विच इज़ नॉट एडवाइज़ अंडर द लॉ। सो हमें ये देखना होगा किन सर्कमस्टांसेस में समन इशू किया जा सकता है और कौन प्रॉपर ऑफिसर होगा एम्पावरिंग द इशू ऑफ समन। तो डिपार्टमेंट के ऑडिट होते हैं, तो डिपार्टमेंटल ऑडिट इज एम्पावर्ड इन सेक्शन 65। तो कमिश्नर अथोराइज है इशू करने के लिए नोटिस में, जिसमें रूल 101 में ऑडिट से रिलेटेड जीएसटी एडीटी बन नोटिस दिया जाएगा, और उसके एक समय सीमा होगी कि 3 महीने में आप नोटिस कंप्लीट कर लें। विद इन 15 डेज तक आप पहले ही आपको सूचना दी गई है कि ये इस तरीके से आपका जीएसटी का ऑडिट होना है और उसको विद इन 3 मंथ कंप्लीट करना है। हाँ, उसकी एक्सटेंशन 6 मंथ हो सकती है। अब बेसिकली गवर्नमेंट ने ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आ गई है, आपको अपना जीएसटी का ऑडिट खुद ही करना है, GST 9 में करना है, 9C की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट नहीं कराना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आ गए हैं, बट डिपार्टमेंटल ऑडिट हो सकता है। तो यहाँ पर डिमांड शो को नोटिस एंड एडजुडिकेशन की भी पावर है। सेक्शन 73 बोलता है, वेयर इट अपीयर टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड, एनी टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड और वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट और टू अवेड टैक्स ही शैल सर्व अ नोटिस ऑन अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स। उसको नोटिस करने की पावर है, ठीक है, कि विच टैक्स नॉट पेड विच हैज शॉर्ट पेड और रिफंड हैज बीन एरोनियसली मेड और रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज रिक्वायरिंग हिम शो कॉज एज व्हाई ही शुड नॉट पे द अमाउंट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर वो शो कॉज नोटिस दे सकता है और इंटरेस्ट भी चार्ज करने के लिए सेक्शन 50 में बोल सकता है, पेनल्टी भी लेवी कर सकता है। तो फेक इनवाइसेस के लिए काफ़ी इशू हैं, तो हमें अपने सप्लायर को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि जो वो इन्वाइस दे रहा है उसका इनपुट क्रेडिट अवेल कर रहा है और वो टैक्सेस प्रॉपरली पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे को अपने सप्लायर का ड्यू डिलिजेंस करना बनता है। फेक इनवाइस वाइल लीविंग सीरियस एलिगेशन एंड अरेस्टिंग द पर्सन, अगर कोई भी इस तरीके से मिसयूज़ कर रहा है आईटी किसी का, तो डिपार्टमेंट उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी पे नहीं करी
तो क्या हम इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट बायर को डिसलाउ कर देंगे? तो यहाँ पर एक केस लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ था, क्वेस्ट मर्चेंडाइज का, जिसमें कहा था नहीं नहीं भाई, आपने तो बोनाफाइडली परचेज करी है, आपको क्रेडिट डिसलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। एक केस लॉ था घेरू लाल बनचंद का, उसमें वहाँ पर हमने जो है ये डिसाइड हुआ था, परचेजिंग रजिस्टर्ड डीलर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट टैक्स बाय द सेलिंग डीलर इन द ट्रस्टी अनलेस इट इज़ ए फ्रॉड लैंड। तो अगर आप इस तरीके से कोई फ्रॉड टाइप से इन्वॉल्व हो गए, तब आपको हम इनपुट टैक्स के रिलेटेड डिसलाउ कर देंगे। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पर पावर टू अरेस्ट भी है सेक्शन 69 में। तो वेयर द कमिश्नर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज और क्लॉजेस वन सेक्शन 132 विच इज़ पनिशेबल अंडर ही कैन सेंट्रल ऑफिसर टू अरेस्ट सच पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीजेस हैं और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं कि भाई सप्लायर ने इनपुट अपना इनवाइस अपलोड नहीं करा 11 तक GSTR 1 में, तो हम क्या करें? आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसमें 5% की रिलैक्सेशन है, बस वहाँ तक ही आप एलिजिबल इनवाइसेस की 105 तक ही परसेंट तक जा सकते हैं। इस तरीके से अगर नोटिस आ रहे हैं तो उन नोटिसेस का प्रॉपर रिप्लाई कीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट की जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कीजिए। GST अमनेस्टी स्कीम इज़ इन फोर्स, उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। अगर आपका कोई निल रिटर्न है और आपने 3B फाइल नहीं करी है, तो ₹1,000 मैक्सिमम पर रिटर्न पर मंथ तक की ही लेट फीस लग सकती है और आप कर सकते हैं। अगर हाँ आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है, तो उस वाले केस में 2,000 रुपीज़, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की टर्नओवर के बीच में 5,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर हैविंग 5 करोड़ एंड बोर 5 करोड़ एंड बोर। सो सितंबर 30 सितंबर की डेट निकल गई है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तो 30 सितंबर के बाद नहीं ले सकते। तो बेसिकली हमें कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवाइस की डेट से 1 साल के अंदर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले लेना है, उसके बाद नहीं ले सकते। 3B की ड्यू डेट होती है 20th, 22, और 24 फॉर सम स्टेट्स। तो आप अपनी 3B टाइमली फाइल करें, अननेसेसरी 20 रुपी पर डे और 50 रुपी पर डे एज द केस में भी लेट फीस लगेगी। मैचिंग करना है हमें अपना GSTR 1 विद 3B, GSTR 2A विद 3B, और इसे ऑडिट के टाइम पे बहुत ध्यान से हमें देखना है। ये फाइनेंशियल ऑडिट में कवर हुआ, GST ऑडिट आज की डेट में कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमें हर मंथ अब प्रोविजनल ITC ही मिलेगा, आपकी इनवाइसेस जो भी GSTR 1 में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका आप प्रोविजनली ले लिए, बशर्ते कि बाद में उसका सप्लायर का टैक्स पे कर देना चाहिए। अगर टैक्स पे नहीं करा तो वहाँ पर हमें फाइनल क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे है? जो अवेल कर रहा है इनपुट के टैक्स क्रेडिट। हमें ये देखना है कि हमने जो है उसका गुड्स आ गया है और उसकी टैक्स इनवाइसेज हैं, वो GSTR 1 में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो उसको सप्लायर पे कराएं, ठीक है, और उसका एक्चुअली टैक्स पे हो जाना चाहिए, और हमें अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर देनी चाहिए। ये सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन है 5% की, अगर जितना भी इनपुट टैक्स रेट आ रहा है तो मैक्सिमम आप 105% तक जा सकते हैं। हाँ लास्ट ईयर में 110% जा सकते थे, लास्ट टू लास्ट कैलेंडर ईयर में 120% तक जा सकते थे, बट राइट नाउ दिस इज़ अ 5% अपर लिमिट है। 180 डेज में आप अपनी सप्लायर को पेमेंट कर दें। अगर आप अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, मगर उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कि जो आपने एक्सेस क्रेडिट अवेल किया है, उस वाले केस में 24% इंटरेस्ट लगेगा। तो बेसिकली अगर आपकी सप्लायर की लाइबिलिटी 1 लाख है और आपने 90,000 कराए, तो उस वाले केस में प्रपोर्शनेट ही आपको इनपुट टैक्स रेट मिलेगा। तो होप सो ये आपको एक छोटा सा वीडियो आपकी GST की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयर होना चाहिए और अपने कारोबार को इस तरीके से करना चाहिए कि कोई भी कल अननोन GST की लाइबिलिटी खड़ी ना हो।
कोई भी समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप हमारे को अगर और इनक्रेज करना चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट आगे भी आपको इस तरीके की कुछ वीडियो जो भी आपके रिलेवेंट हैं वो मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।